क्या आप मिनट बिजनेस चालू करने का सबसे बड़ा सीक्रेट जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश सोजित्रा। मैं धर्मनंदन टेक्नो प्रोजेक्ट्स कंपनी में डायरेक्टर हूं। धर्मनंदन कंपनी मिनरल वाटर और बिवरेज इंडस्ट्री के हाई क्वालिटी हाई टेक्नोलॉजी मशीन बनाती है। धर्मनंदन कंपनी का एक ही लक्ष्य है, मिनरल वाटर और बिवरेज इंडस्ट्री में जो भी जुड़ना चाहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बनाने में पूरी हेल्प करना। आज मिनरल वाटर बिजनेस में निवेश करना एक बहुत ही बुद्धिमानी कदम है, लेकिन कोई भी नया बिजनेस चालू करने से पहले उसके महत्वपूर्ण पहलू पे जानना, उसके बारे में समझना और उसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि वो कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जो मिनरल वाटर बिजनेस चालू करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप ये बिज़नेस चालू करना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो अंत तक देखने का बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये वीडियो हमने काफ़ी महीनों की रिसर्च और मेहनत के बाद हमने बनाया है। हमारी कंपनी का और हमारे हजारों कस्टमर का एक्सपीरियंस निचोड़ के इसमें डाला है। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें इसलिए सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन अलर्ट क्लिक कीजिए, तो जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत अलर्ट आ जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि आप जानते हैं, शहरों में और आजकल भारत के सभी गाँवों में लोग मिनरल वाटर पीना पसंद करते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि जो नल से हम पानी पी रहे हैं वो काफ़ी पॉल्यूटेड है, काफ़ी कंटामिनेटेड है, जो पीने के लिए सुरक्षित नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जबकि बॉटल मिनरल वाटर पीने के लिए बहुत ही सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। इसकी वजह से मिनरल वाटर का डिमांड डे बाई डे तेज़ी से बढ़ रहा है और पूरे भारत में इसका बहुत भारी मात्रा में डिमांड है। तो आज की तारीख में मिनरल वाटर बिजनेस चालू करना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। डिमांड है, इतना काफ़ी नहीं है ये मिनरल वाटर प्रोजेक्ट को सक्सेस दिलाने के लिए। इसके अलावा और भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मिनरल वाटर बिजनेस चालू करना थोड़ा जटिल काम है, लेकिन ये जटिल काम को आसान किया जा सकता है। ये जटिल काम को आसान करने के लिए आपको एक अनुभवी विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं मिनरल वाटर बिजनेस चालू करने के लिए 7 महत्वपूर्ण स्टेप, जो आपको करेंगे तो आप सक्सेस डेफिनेटली पा पाएंगे। तो पहला स्टेप है मार्केट रिसर्च करना। कोई भी नए बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च से आपका नज़रिया बिल्कुल क्लियर हो जाता है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने में आप सक्षम हो जाते हैं। मार्केट रिसर्च से आप अपने बिजनेस का एक टारगेट सेट कर सकते हैं और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय ले सकते हैं। मार्केट रिसर्च से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट की ज़रूरत क्या है, क्या चीज़ की ज़्यादा डिमांड है और कस्टमर क्या चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। मार्केट रिसर्च से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी बॉटल आपको मार्केट में लॉन्च करनी है, किस तरीके की जार लॉन्च करनी है और किस तरीके के पाउच लॉन्च करने हैं। अगला स्टेप है आपको प्रॉफिटेबल प्रैक्टिकल बिजनेस प्लान बनाना। एक बार आपने मार्केट रिसर्च कर लिया तो अगला कदम हो जाता है बिजनेस प्लान बनाना, जिसके ऊपर आपको काम करना होगा। बिजनेस प्लान एक ढांचे की तरह है, एक ढांचा आपने समझ लिया तो आगे का काम बहुत ईजी हो जाता है। तो बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना है, किस तरीके की मैनेजमेंट टीम लगेगी, कौन से टाइप के स्टाफ लगेंगे, कौन से टाइप के वर्कर लगेंगे, कौन सी कानूनी प्रक्रिया क्लियर करनी है, कौन से लोकेशन पे प्लांट लगाना है, कौन से मशीन लगाने हैं और कौन से सप्लायर से लेने हैं। ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस प्लान में शामिल करनी है। आपका अगला स्टेप है ये प्लांट के लिए सही लोकेशन का सिलेक्शन करना। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो मार्केट से नज़दीक हो। आपके लोकेशन से मार्केट में आपकी प्रोडक्ट आसानी से पहुंचनी चाहिए। आपको ये भी देखना है कि वो लोकेशन पे पर्याप्त मात्रा में पानी अवेलेबल हो, पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अवेलेबल हो, और आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि वो लोकेशन पे आपको सही तरीके का मैन पावर मिल जाए। आपका अगला स्टेप है मशीन का सिलेक्शन करना। ये स्टेप बहुत ही क्रिटिकल है, जो आपको काफ़ी सोच समझ के लेना होगा।
मशीन सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड करना है। कैपेसिटी ऐसा होना चाहिए अगले 4 से 5 साल तक आपको मार्केट की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन दे पाए। सही तरीके का मशीन में ऑटोमेशन होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। चलाने में आसान होना चाहिए, कम से कम मेंटेनेंस आना चाहिए और लंबे टाइम तक आपको प्रॉफिट कमा के दे पाए ऐसे मशीन होने चाहिए। अभी मशीन कौन से लगेंगे? मशीन में सबसे पहले लगेगा आपको RO प्लांट जो पानी को शुद्ध करेगा। उसके बाद आएगा ऑटोमेटिक बॉटल रिंसिंग फिलिंग कैपिंग मशीन जो ऑटोमेटिक बॉटल को पैक करेगा। इसके बाद आएगा बॉटल ब्लोइंग मशीन जो बॉटल को बनाएगा। पाउच पैकिंग मशीन जो ऑटोमेटिक पाउच पैक करेगा। जार वॉशिंग फिलिंग कैपिंग मशीन जो जार को पैक करेगा। बैच कोडिंग मशीन जो बॉटल पे ऑटोमेटिक बैच प्रिंट करेगा। और उसके अलावा आपको चाहिए 2 लेबोरेटरी जो केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग के लिए। तो ये है सारे मशीन के सिलेक्शन। इसके अलावा आपको और भी मशीन लगा सकते हैं। जैसे आपको लेबल ऑटोमेटिक लगाना है तो ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन लगा सकते हैं। और आपने ये देखा होगा कि मार्केट में कोरूगेटेड बॉक्स की जगह पे प्लास्टिक रैपिंग का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, तो उसके लिए आप श्रिंक रैपिंग मशीन लगा के आपका पैकेजिंग का कॉस्ट काफ़ी कम कर सकते हैं। तो ये सारे मशीन धर्मनंदन कंपनी हाई क्वालिटी हाई टेक्नोलॉजी में बनाती है और आपके गोल और ड्रीम अचीव करने के लिए पूरा हाई क्वालिटी मशीन आपको सप्लाई कर सकती है। इसके बाद अगला स्टेप है आपको सप्लायर सिलेक्ट करना। आपको 2 तरीके के सप्लायर सिलेक्ट करने हैं। एक तो है रो मटेरियल सप्लायर और दूसरा मशीन सप्लायर। रो मटेरियल में आपको लगेगा प्रीफॉर्म कैप जार और पाउच के रोल। रो मटेरियल सप्लायर ऐसा होना चाहिए जो आपको मिनरल वाटर बिजनेस की आवश्यकता के हिसाब से सही क्वांटिटी में सही टाइम पे आपको दे पाए। और मशीन सप्लायर ऐसा होना चाहिए जिसको इस बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस हो और एक्सपर्ट हो। आपका अगला स्टेप है आपके प्लांट को ISI और FSI अप्रूव करवाना। ISI एक क्वालिटी लाइसेंस है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS से प्राप्त होता है। ISI एक तकनीकी प्रोसेस है जो हमें काफ़ी तैयारी से करनी होती है, तभी हमें सफलतापूर्वक ISI लाइसेंस प्राप्त होता है। ISI लाइसेंस प्राप्त करने में 3 से 3.5 महीने लग जाते हैं। तो कैसे ISI लाइसेंस प्राप्त करें उसके लिए पूरा डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक बार ISI लाइसेंस आने के बाद आपका अगला कदम है FSI लाइसेंस लेने का, जिसके लिए आपको लोकल फूड डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है और आपको 15 से 20 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा। आपका नेक्स्ट स्टेप है मार्केटिंग एंड सेलिंग। कोई भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए मार्केटिंग और सेलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप करना है, उसके बाद अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप करना है। दूसरे ऑप्शन हैं अच्छे होटल्स, अच्छे कैटरर्स के साथ टाइप करके अपने बिजनेस को आप तेज़ी से आगे ले जा सकते हैं। और ऑप्शन है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे में पूरे भारत भर में बॉटल वाटर की भारी मात्रा में डिमांड रहती है। भारतीय रेलवे का हर साल टेंडर निकलता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मिनरल वाटर बिजनेस चालू करने के 7 महत्वपूर्ण स्टेप। अगर आप ये बिजनेस चालू करने जा रहे हैं और चालू करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि धर्मनंदन कंपनी आपको हेल्प करे, तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पे कॉल कीजिए। हमारे बिजनेस ग्रोथ एक्सपर्ट की टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आप एक डेट फिक्स करके मुंबई या सूरत आने का प्लान कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव को शेयर कीजिए। हमारे ऐसे ही अगला वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन अलर्ट पर क्लिक कीजिए, आपको नया वीडियो तुरंत ही अलर्ट आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।